हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 82, इंग्लिश की वर्कशीट है ये बच्चों, क्लास फिफ्थ की, और डेट है आपकी 29 अगस्त। टेक्स्ट बुक मेरी गोल से ली गई है और इसका यूनिट 3 है, नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट स्पेस नंबर 48 to 51। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नेम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। टुडेज लास्ट टू एन एक्टिविटी। तो चलिए आज हम एक एक्टिविटी करते हैं और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टेक अ प्लास्टिक बाउल, आपको एक प्लास्टिक बाउल लेना है, बाउल का मतलब कटोरी, एंड मेक सम पेस्ट बाय मिक्सिंग वाटर विथ योर फेवरेट वाटर कलर। और एक पेस्ट बनाना है आपको, थोड़ा सा पानी लेना है और वाटर कलर लेना है, जो भी आपका फेवरेट वाटर कलर हो, मतलब जो भी आपका फेवरेट कलर हो। नाउ डिप योर फुट, आपको अपने पैर उस पर डालने हैं, पैर आपको कलर वाले पानी में डालने हैं, इन इट एंड प्रेस द कलर्ड फुट ऑन द वाइट पेपर, और वाइट पेपर पे अपने पैर के प्रिंट आपको छापने हैं। लीव इट टू ड्राई, और ड्राई करने के लिए मतलब सूखने के लिए इसको छोड़ देना है। वट डू यू गेट, आपने क्या देखा। येस यू गेट योर फुट प्रिंट्स, और उसके बाद आपको क्या मिल गया उस पेपर पे, अपना फुट प्रिंट मिल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो हु लिव्ड अलोन इन अ केव। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, जो कि कहाँ रहता है बच्चों, केव में रहता है अकेला, नियर द सी शोर, कहाँ, शीशोर के नियर में। वन डे ही सॉ अ बिग फुटप्रिंट ऑन द सैंड, उसने एक दिन रेत पे बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया टू सी द फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट को देख के। ही लुकड अराउंड टू सी इफ एनी वन वॉज देयर, वो अपने आसपास देखने लगा कि कहीं कोई उसके आसपास तो नहीं है। ही ट्राई टू हियर अ साउंड, वो कुछ साउंड सुनने का ट्राई करने लगा ताकि उसे पता चल जाए कि कोई उसके आसपास है या नहीं। ही डिड नॉट फाइंड एनी वन, उसने किसी को भी नहीं पाया अपने आसपास। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो आगे क्या हुआ। डिड यू फाइंड दैट पर्सन, कि आप जानना चाहेंगे। रीड एंड इन्जॉय द लेसन, इस लेसन को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स टू नो मोर अबाउट फुटप्रिंट। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी टैट मीन्स द सेम, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर की हेल्प लेनी है, ठीक है, इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करने में, वो भी चैप्टर से। देखिए लाइक फाइंड का मतलब होता है बच्चों डिस्कवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केयर, स्केयर में आएगा फियरफुल, क्या आएगा बच्चों, फियरफुल, FEAR, फियर, FUL। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकली, LUCKILY, लकली, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, INVESTIGATE, GATE, ठीक है, INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट। फन टाइम, आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वर्ड्स, एनिमल वर्ड्स के फुटप्रिंट्स आपको फाइंड करना है। टेक द हेल्प फ्रॉम हिंट बॉक्स, नीचे हिंट बॉक्स दिया हुआ है, देखिए ये हिंट बॉक्स दिया गया है, इनकी हेल्प से जो है आपको फुटप्रिंट्स फाइंड करने हैं, ये किसके फुटप्रिंट्स हैं। तो देखिए ये जो एलिफेंट का फुटप्रिंट्स है वो ये है बच्चों, ये है हैन का फुटप्रिंट्स, किसका है, हैन का फुटप्रिंट्स। तो ये देखिए ये यहाँ पे आप लिखेंगे हैन, ये हैन का फुटप्रिंट्स है, ये आपका एलिफेंट का है, ELEPHANT, एलिफेंट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये आपका डॉग का है, ठीक है, और ये आपका डक का है, DUCK डक। तो आगे दिया गया है आपका टॉक टाइम, तो टॉक टाइम आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी गई है, एक छोटा बच्चा है और दादा दादी हैं, दादा दादी से क्या बातें कर रहा है, उनके साथ शायद खेल रहा है, तो वो आपको सोच के खुद से लिखना है।
तो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं अभिभावकों के लिए क्या सुझाव दिया गया है। बच्चों को उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।